शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत को पेश नजर रखकर तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो, न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकलें। हां अगर वो खुली बेहयाई करें तो और बात है, और ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ऐ तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम शायद अल्लाह इसके बाद रुजत की कोई सबील पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत खत्म होने के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको अच्छी तरह से जौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो, और अपने में से दो मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो, और ऐ गवाह हो अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोजे आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंजो गम से नजात की सूरत पैदा कर देगा और उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसको वहम गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफी होगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। और तुम्हारी तलाक वाली बीवियां जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हम्ल वाली औरतों की इद्दत वजह हम्ल यानी बच्चा जन्ने तक है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर नाजिल किया है, और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम बख्शेगा। तलाक वाली औरतों को अय्याम इद्दत में अपनी हैसियत के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो, और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो, और अगर वो हमल से हो तो बच्चा पैदा होने तक उनका खर्च देते रहो, फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो, और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीके से मुआफ़क़त रखो, और अगर बाहम जिद और ना इत्तिफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। साहिब वसत को अपनी वसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए, और जिसके रिस्क में तंगी हो जितना अल्लाह ने उसको दिया है वो उसके मुआफिक खर्च करे। अल्लाह किसी को जेरबार नहीं करता मगर उसी के लिहाज से जितना उसको दिया है, और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया, और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना, सो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, तो ऐ अक्ल वालो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत भेज दी है यानी ऐसे पैगंबर जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़े आयतें पढ़ते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए, और जो जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए क्या खूब रिस्क रखा है। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही जमीनें भी, इनमें अल्लाह का हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है।